हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आयुष अकेडमी पे। और इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, उत्तराखंड में जो अभी लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट निकली है भारतीय डाक सेवा इंडियन पोस्ट में, ठीक है, तो उत्तराखंड पोस्टल सर्कल हम देहरादून में जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। और देखेंगे कितनी पोस्ट है, कितनी सैलरी रहेगी और क्या क्या जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। तो जैसा कि मैंने बताया, जो पोस्ट है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, द चीफ पोस्टमास्टर जनरल उत्तराखंड सरकार देहरादून, इसके अंतर्गत ये जो है रिक्रूटमेंट निकली है। जो पोस्ट है यहाँ पे कौन कौन सी, एक तो आपका पोस्टल असिस्टेंट है, दूसरा आपका सॉर्टिंग असिस्टेंट है, एंड तीसरा आपका पोस्टमैन है, एंड चौथा आपका MTS है, ठीक है। तो सारी पोस्ट ऑफिस के लिए है। अगर बात करें यहाँ पे जो स्केल ऑफ पे की, तो जो पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो स्केल रहने वाला जो सैलरी रहने वाली है वो यहाँ पे आपकी रहने वाली है 25,500 से 81,000 रहने वाली है। लेवल 4 की यहाँ पे जो है पे मैट्रिक्स यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। पोस्टमैन की जो यहाँ पे जो सैलरी रहने वाली है वो 21,700 से लेकर 69,100, ठीक है। और लेवल 3 की सैलरी, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, ये प्योर जो है पूरी गवर्नमेंट वो है परमानेंट वाली जो है जॉब्स है, ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ये नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो सैलरी है आपकी पूरी जो है परमानेंट वाली रहने वाली है, MTS की यहाँ पे है, ठीक है, 18,000 से 56,900 यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। लेवल 1 का यहाँ पे मैट्रिक्स रहने वाला है, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं एज लिमिट। तो एज लिमिट का हम देखेंगे यहाँ पे 1/1/2021, 1 जनवरी 2021 के लिए इन्होंने एज, तो यहाँ पे देखिए पोस्टल असिस्टेंट के लिए जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल है, ठीक है। और 3 साल का जो है OBC के लिए रिलैक्सेंस है और 5 साल का है SC ST के लिए, ठीक है। MTS के लिए है, MTS के लिए आपका 18 से 25 साल, और बाकी जो है OBC के लिए 5 साल, 3 साल का, एंड अदर SC ST के लिए 5 साल का, ठीक है। तो ये आपका एज का हो गया। और अब एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो गाइज यहाँ पे जो आपका जो है सॉर्टिंग असिस्टेंट या पोस्टल असिस्टेंट है, 12th पास मांगा हुआ है इसके लिए, और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा हुआ है, और सबसे मेन चीज़ जो है स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशंस, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये अंडर स्पोर्ट्स कोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का आपके पास में होना कंपलसरी है, तो स्पोर्ट्स कोटा यहाँ पे जो है आपका मांगा हुआ है। दूसरा जो है पोस्टमैन के लिए, ठीक है, तो पोस्टमैन के लिए 12th पास होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए, 10th पास आपका हिंदी सब्जेक्ट से होना चाहिए, 12th आपका हिंदी से होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी जो जैसा कि मैंने बताया जो स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगा है। नेक्स्ट हम देखें, हम MTS के लिए भी 10th पास मांगा हुआ है और कंप्यूटर का नॉलेज, लोकल लैंग्वेज और स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पे स्पोर्ट्स जो है तीनों पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो देखिए स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा यहाँ पे नहीं बता सकता, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। सिलेक्शंस कैसे होगा, वो आपका सिलेक्शंस ऑफ अ कैंडिडेट विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ अदर प्रिस्क्राइब कंडीशंस, ठीक है। तो इस बेस पे जो है सिलेक्शंस भी आपका इसी बेस पे है। अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्मेट है वेबसाइट पे दिया हुआ है, आपको उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। और उसको क्या करने ला है, उसको पूरा जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसके साथ में अपने सेल्फ अटेस्टेड जो है डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगाने के बाद आपको इस एड्रेस पे भेज देना है। एड्रेस क्या रहेगा, दी असिस्टेंट पोस्टमास्टर जनरल स्टाफ,
ठीक है, द चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड सर्किल देहरादून। ठीक है, ये स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आप इसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा आपको देखिए एप्लीकेशन इनवेलप कवर टू भी सुपर स्क्रिप्ट भी एज, तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट जो भी है, जिसके लिए भी आप यहाँ पे पूरा आपको मेंशंस करना है। पेमेंट ऑफ फीस 100 रुपये यहाँ पे चार्ज है, तो वो पेमेंट आप ई पेमेंट के साथ कर सकते हैं। एनी कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस इन इंडिया यूजिंग चालन फ्रॉम प्रोवाइड अलॉन्ग विथ नोटिफिकेशन स्पेसिफाइक। ठीक है, तो यहाँ पे आप चालान भी लगा सकते हैं, ई पेमेंट, इलेक्ट्रिक पेमेंट भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। और लास्ट डेट, जो लास्ट डेट है इसकी, लास्ट डेट है आपका, लास्ट डेट ऑफ रिसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो ये 22 दिसंबर 2021 है। ठीक है, तो ये है देहरादून उत्तराखंड में निकली है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है। यहाँ पे देखिए पोस्टल असिस्टेंट अल्मोड़ा पे एक है, एंड चमोली में जो पोस्टमैन की जो है, पोस्टमैन की एक है, एंड पौड़ी में एक पोस्ट है, नैनीताल में दो पोस्ट है। ठीक है, पिथौरागढ़ में एक पोस्ट है और पोस्टल असिस्टेंट की दो पोस्ट है, एमटीएस की दो पोस्ट है। तो देहरादून में जो है तीन पोस्ट है, टोटल पोस्ट है जहाँ पे 13 है, 13 पोस्ट है। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको साइट पे मिल जाएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और डाउनलोड करने के बाद, इसको भरने के बाद आपको क्या कर देना है, इसको फिल करने के बाद आपको स्पीड पोस्ट या जिसके थ्रू भी आप करना चाहते हैं वो कर देना है।